हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज जो है हम बात करने वाले हैं डक फार्मिंग के बारे में। डक फार्मिंग में टोटल ध्यान रखने वाला 7 की पॉइंट होता है। तो 7 की पॉइंट कौन कौन सा है, पहले इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले है स्टडी एंड प्रिपरेशन, प्रॉपर हाउसिंग, न्यूट्रिशस डाइट्स, क्लीन ऑर्गेनाइज्ड, नेचुरल रेमेडीज, मार्केटिंग प्लान और बिजनेस परस्पेक्टिव। फर्स्ट स्टडी एंड प्रिपरेशन। तो स्टडी एंड प्रिपरेशन में आपको क्या क्या करना है, तो प्रॉपर नॉलेज ऑफ ब्रीड, मतलब आपके एरिया में कौन सा ब्रीड का डिमांड है, आपके एरिया में कौन सा ब्रीड का बिक्री है, खपत है, वो ब्रीड हो गया, उसको क्या खिलाना चाहिए और उसके हेल्थ के बारे में, मतलब बीमारी जो आएगा तो आप कैसे आप उसका इलाज कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है। और सेकेंड आता है प्रॉपर हाउसिंग। तो प्रॉपर हाउसिंग में क्या है कि आप उसका घर जो बनाओगे, देखो बतख एक ऐसा जीव है जिसको आप दिन भर बाहर रख सकते हो, पानी में रख सकते हो, शाम को उसको सिर्फ घर का ज़रूरत होता है, और या तो अंडा देने के टाइम पर। आपको वेंटिलेशन होना चाहिए, सुटेबल लाइट होना चाहिए और प्रोटेक्शन हो एक्सट्रीम वेदर, मतलब ना ज़्यादा बारिश का पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, ना आपका ज़्यादा ठंड होना चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होना चाहिए, कुछ भी मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, हवादार, खुला, जब ठंडी आए तो ढकने लायक जगह हो, तो ये है ध्यान रखने लायक। तीसरा है न्यूट्रिशस डाइट। अब देखो, आप अगर फीडिंग कराते हो जो कमर्शियल फीड है तो आपको प्रॉफिट बहुत कम आएगा, और आप मेरा पुराना वीडियो देखते ही हो तो आपको पता होगा कि हम हमेशा कहते हैं फीडिंग जो कराना है वो नेचुरल तरीके से कराना है। आप ग्रेन्स वगैरह सब धान, मकई का दर्रा वगैरह वगैरह यूज कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि मकई का दर्रा खिला करके या धान खिला करके प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा उसको, तो उसके साथ देखो उसमें बहुत सारा पोषक तत्व तो मिल जाएगा, बचेगा प्रोटीन। तो प्रोटीन के लिए आप मछली, जो लोकल बाजार होता है वहाँ पे आप जा करके मछली का जो वेस्टेज होता है, मुर्गा या मछली का वेस्टेज 10-20 रुपए किलो आराम से आपको मिल जाएगा, किसी भी मुर्गी कटर वाले के पास या मछली जहाँ बिकता है काट के वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप वहाँ से आप उठा सकते हो और आराम से आप उसको खिला सकते हो। बस ये ध्यान रखना कि आप उसको घर में मत खिलाओ, दिन में बाहर निकाल के दाना खिलाओ, फिर सिर्फ रात को उसको उसके हाउसिंग, उसके घर में जाने के लिए दो, बाकी दिन भर आप उसको पानी में या बाहर चरने के लिए खुले में छोड़ दो। हरा चारा आप खिला सकते हो। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड में क्या होता है कि आप जो है साफ सफाई का ध्यान तो फॉर्म के अंदर रख ही रहे हो, जहाँ खाना खिला रहे हो, जिस बर्तन में खाना खिला रहे हो उसको भी एकदम साफ सफाई रखो, और ऑर्गेनाइज्ड मतलब टाइमली करो। अगर आप आज 8 बजे खिला रहे हो सुबह में, तो 8 बजे के लमसम में खिलाओ, नो फिर दोपहर में अगर दे रहे हो तो दोपहर में, शाम को दे रहे हो तो शाम को। तो आपको फीडिंग कैसे कराना है इसका मेरा पुराना वीडियो एकदम प्रॉपर वे में पड़ा हुआ है, आप जा करके उसमें ढूंढना, हरा चारा वगैरह सब धान या ग्रेन्स जो मकई का दर्रा वगैरह सब ये सब आप खिला करके आप फीडिंग कॉस्ट आधे से भी कम कर सकते हो, और आपको कोई भी हेल्थ इशू बतख के अंदर नहीं आएगा, इस बात का गारंटी है, क्योंकि मैं जो एक्सपेरिमेंट करता हूँ तभी किसी को बताता हूँ या कमेंट करता हूँ, तो आप वो ट्राई करना। और नेचुरल रेमेडीज में क्या होता है कि इसमें इम्यून सिस्टम और बेसिक आयुर्वेदिक मेडिसिन, मतलब कि इम्यून सिस्टम आप उसका मजबूत कर सकते हो। तो इसमें एक सबसे अच्छा आता है हिमालया का लीफ 52 करके दवाई आता है, वो प्योर आयुर्वेदिक है, इम्यून सिस्टम अच्छा करता है, लीवर अच्छा करता है। ये आप मंगा सकते हो ऑनलाइन, या आपका कोई भी इंसान वाला भी मेडिकल में आपको मिल जाएगा हिमालया का लीफ 52। इम्यून के लिए होता है, लीवर के लिए। तो ये हो गया। और जितना बीमारी होता है, हर बीमारी बतख में जो बीमारी होता है, हर बीमारी का मैक्सिमम दवाई आपको आयुर्वेदिक वाला मिल जाएगा, तो आप आयुर्वेदिक यूज़ करो। और हम पुराना कम से कम 5-10 वीडियो ऐसा बना चुके हैं जो जो मेजर मेजर बीमारी बतख में होता है, सारा का सारा नॉर्मल अगर आप प्रोसेस वाइज करोगे, जैसे आंवला का जूस पिलाना, हल्का सा नमक डाल करके, सजाना का एक पत्ता होता है, सजाना लंबा लंबा फलता है, उसका पत्ता खिलाओ बीच बीच में कभी कभी, ये सब चीज़ अगर आप खिलाते हो तो आपको कभी भी बीमारी का शक्ल मुंह देखना नहीं पड़ेगा। आपके बतख में इम्यून सिस्टम इतना हो जाएगा कि पूरा गांव या आसपास का एरिया में बीमारी फैल रहा है लेकिन आपका बतख स्वस्थ और हेल्दी रहेगा। आप मेरा पुराना वीडियो में देखते ही हो कि पहले मेरा क्या हाल था बतख का, और अब जो प्रोसेस सीखने के बाद, समझने के बाद जो हम कर रहे हैं, तो उसमें और पहले वाले में क्या अंतर है, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखना, आपको पता चलेगा। और छठा है मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान देख लो, आप बतख तैयार कर लिए पर उसको टाइमली बेचोगे अगर नहीं, कितना बेचोगे, अगर मान लो आप एक बतख, 100 बतख या 1000 बतख या 500 बतख रखते हो, तो आपका 2.5 से 3 महीने में बिकने लायक होगा, 3 से 3.5 महीने में। तो अब 3.5 महीने तक कोई इनकम नहीं है, सिर्फ आपको डालना है, आप एक बार में बेच दिए, उसके बाद फिर वापस 3.5 महीने तक वेट करो पैसे के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप अगर 1000 बतख का टारगेट रखे हो तो 300-300 बतख, 400-400 बतख पर मंथ गिराओ,
तीन खटाल में चार खटाल में डिवाइड कर दो, और हर मंथ एक एक 300 300 400 400 जितना आपका बजट है उस हिसाब से डिवाइड करके आप गिराओ। तो उससे क्या होगा कि आपका जब 3 साढ़े 3 महीना बीतेगा, पहला 3 साढ़े 3 महीना, तो उसके बाद आप हर महीना बेच सकते हो। और कहाँ बेचना है ये मार्केट रिसर्च आप कर लो पहले, उसके बाद उस हिसाब से। सिर्फ आप अपना पैसे का बजट मत देखो कि मेरे पास इतना पैसा है तो इस हिसाब से इतना बतख हम पाल सकते हैं। आप ये देखो कि आपका एरिया में कितना खपत है, उस हिसाब से फिर आप डिसाइड करो कि हाँ बतख कितना हमको रखना चाहिए। सातवां है बिजनेस पर्सपेक्टिव। बिजनेस पर्सपेक्टिव में क्या है कि आप उस पे कॉस्ट कटिंग, जैसे वो बोलते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट, कितना प्रोडक्शन कॉस्ट, इस सब का आप डिटेल तो रखो, लेकिन आप उसको कम से कम खर्च करने का कोशिश करो। जैसे कॉस्ट कटिंग में आपको हम बताए हैं कि पोल्ट्री फीड अगर आप खिलाते हो तो कमर्शियल पोल्ट्री फीड, तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट गिरेगा। यही अगर आप ग्रेन्स मकई का दर्रा धान तो ये सब खिलाते हो, साथ में मछली का मुर्गा का वेस्टेज अलग से ला के खिलाते हो, सब्जी वगैरह सब जो मार्केट में हटिया में बचा हुआ मिल जाता है बहुत सस्ते में, ऐसे फेंक देता है किसान लोग, जो खराब थोड़ा मोड़ा सब्जी रहता है उस सब का कटिंग करके आप हरा चारा के रूप में खिला सकते हो। आसपास बरसीन हो गया, और भी बहुत तरह का घास है, नेपियर हो गया, सुपर नेपियर हो गया, ये सब का काट काट के अगर आप खिलाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा कॉस्ट कटिंग हो जाएगा। और जो बतख आपका 180 से 200 रुपये या 150 रुपये तक में तैयार होता है, वही बतख आपको 100 रुपये से अंदर तक में तैयार हो जाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल आप मेरा पुराना वीडियो में जाके देख सकते हो कि हम इतना कम खर्च में बतख 1 केजी से ऊपर किए हैं 3.5 महीने में, कि आप यकीन नहीं करोगे कि इस तरह भी कर सकते हो। प्रॉपर उसको नेचुरल तरीके से रखो, बीमारी कम आएगा, इम्यून सिस्टम पे ध्यान दो और कॉस्ट कटिंग पे ध्यान दो, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। और हाँ, एक मैनेजमेंट रखो कि हमको हर महीने इतना बतख बेचना है, कितना बतख लाना है ये मत सोचो, कितना बतख बेचना है इस पर वर्क करो, तो आपको प्रॉफिट कभी भी नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा और कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। अगर आप ये टारगेट बना के चलते हो कि हाँ हमको इतना बतख हर महीने बेचना है तो बेचना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और पूरा जानकारी अच्छा लगा हो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर करना, और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और जो पुराने सब्सक्राइबर हैं आप लोग से निवेदन है कि इसमें एक ज्वाइन करके बटन आया है जिसमें मिनिमम कॉस्ट 29 रुपये का है, आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, आई नीड इट, और आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।